नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां कुलदीप बिश्नोई के लिए आदमपुर उपचुनाव लिटमस टेस्ट बीजेपी को ताकत दिखाने का समय। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कांग्रेस से बागी होकर 4 बार के विधायक और 2 बार के सांसद कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। आदमपुर विधानसभा सीट पर अब चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस सीट पर उपचुनाव कुलदीप बिश्नोई के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा। परिणाम बीजेपी और कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा, क्योंकि इस सीट पर आया परिणाम कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को आगे भी बढ़ाएगा और प्रभाव भी करेगा। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर बिश्नोई परिवार का साल 1968 से कब्जा है। कुलदीप बिश्नोई से पहले इस सीट पर उनकी पत्नी, माँ और पिता भजनलाल का कब्जा रहा है। इस सीट से कुलदीप बिश्नोई के पिता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल साल 1968 से 2000 तक विधायक रहे, जबकि बिश्नोई ने 2005, 2009, 2014 और 2019 में यह सीट जीती थी और उनकी पत्नी रेणुका ने आदमपुर से 2012 का चुनाव जीता था। हम आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने इस सीट से 2014 में अपनी पार्टी हरियाणा जन हित कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ा था और उन्हें 56,757 यानी 47% वोट मिले थे। वहीं 2019 में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और उन्हें 63,693 यानी 51% वोट हासिल हुए थे और जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार वो बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। इसका परिणाम उनके राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल होगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।